जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और आज के इस अनुदान मांग में हमारी छत्तीसगढ़ की घोषणा पत्र में रही महतारी वंदन योजना, हमारी सम्मानीय विष्णु देवसाय जी की सरकार में ये मेरा मंत्री होने के बाद पहला बजट है। और इसमें महतारी वंदन योजना में जो हमने घोषणा किया था, हमारा एक नारा है, मोदी है तो मुमकिन है, वैसे ही हम इस महतारी वंदन योजना मोदी जी की गारंटी में आज हमने अनुदान मांग प्रस्तुत किए हैं। उसमें हर महिला को 1,000 रुपये देने की बात कही थी विवाहित महिलाओं को, तो 12,000 रुपये आंतरिक किया गया है। इसी तरह पालना केंद्र, इसमें 1500 स्थानों पर पालना केंद्र कामकाजी महिलाओं के बच्चों के देखरेख के लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कुपोषण, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ में कुपोषितों की संख्या पहले ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे कम हो गई है, लेकिन उनके लिए भी 700 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 1,000 कन्याशालाएँ और महाविद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन हेतु 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। शहरी क्षेत्र में 100 आंगनबाड़ी केंद्र, 12 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया इस बजट में। आज के मिशन शक्ति हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। छत्तीसगढ़ महिला कोष में स्वयं सहायता समूह तथा महिलाओं को ऋण योजना का लाभ दिलाने हेतु 25 करोड़ 20 लाख का प्रावधान रखा गया। उसी तरह अभी जगह जगह मुख्यमंत्री कन्या युवा योजना भी चल रहा है, उसमें 7,600 कन्याओं का लक्ष्य रखते हुए 38 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना हेतु 116 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया। इसी तरह से बहुत सारे आज के इस बजट में पेश हुए हैं। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य विष्णु देवसाय जी का आज जन्मदिन भी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि आज वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने माना कैंप में दिव्यांगों के लिए नई भवन के लिए 25 करोड़ भी वहाँ बोल के आए हैं। तो मैं सामान्य श्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सामान्य श्री विष्णु देवसाय जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और इस आज के इस बजट में जो बजट प्रस्ताव हुआ, उसमें सभी का सहभागी रहा और सब अच्छे ढंग से प्रस्तावित किए जी। बहुत बहुत